हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? अरे बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो वन टू थ्री फोर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बस क्लियर है, बोलिए भाई। अरे जल्दी बताइए बेटा, बस क्लियर है? अरे यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास पे दिया था, आई होप आप लोग उसे करके आए ही होंगे। पास क्लियर है सभी को? यस, वेरी गुड। आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। और आज हम पढ़ेंगे कि O2 और N2 का एम्बो डायग्राम डिफरेंट क्यों बनता है, और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। हालांकि किसी भी एग्जाम के लिए वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रीज़न क्या है, बट हम समझने की कोशिश करेंगे जैसे हमने हमेशा पढ़ा है। क्या वॉइस लो आ रही है? जल्दी बताइए सभी लोग भाई, वॉइस क्लियर है सभी को? अनअकैडमी ऐप पर आज हमने जो क्लास ली थी, उसमें हमने मेन ग्रुप स्टार्ट किया है, और आप सभी लोग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, मेन ग्रुप की क्लास जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, 6 PM, कल भी 6 PM होगी, राइट? तो आज की क्लास देख लीजिए, जिन बच्चों ने अब तक अटेंड नहीं की थी एक बार उसको जल्दी से देख लीजिए। कल वाली क्लास में लाइव प्रेजेंट रहना। क्या सभी को मेरी वॉइस स्लो आ रही है? कितने लोगों को लगता है वॉइस जो है थोड़ी स्लो है, जल्दी बताइए, वॉइस के बारे में बताइए। यस, प्रियंका भी कह रही है सर वॉइस जो है थोड़ी लो है। हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर है? अब चलिए, अब बताइए, क्या अब आवाज़ क्लियर है? तो और कोशिश करते हैं माइक को यहाँ रखने की। राइट, अब भी स्लो है? चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास भी है रिवाइज सुनने के लिए। अरे ठीक है, आवाज़ तुम बिल्कुल गधे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आप जानते हैं अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस हमारी चल ही रही है, टेस्ट सीरीज डाउट सेशन हम लेते ही हैं, और 14th of July से मेरा जो ग्रुप थियरी वाला कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है प्लस कोर्स पे। सभी CSR नेट एस्पायरेंट्स वहाँ बिल्कुल प्रेजेंट रहे, बिल्कुल मिस ना करें उस क्लास को। आपने कहीं चाहे कहीं भी जीवन में ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, आप कुछ ही क्लास में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, राइट? देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रखिए। मेरा ही जो लिंक है प्रोफाइल का, इस कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। और कभी भी आपको आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हैं, वो आपसे प्रोमो कोड मांगता है, तो आप APR 10 रखिए। और आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं 1 मंथ, 14th जुलाई से स्टार्ट होगा। इसके डिटेलिंग में आपको और कल की क्लास में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? आप किसी भी कोर्स को बाय करते हैं तो इस कोड को यूज़ करना नहीं भूलना। और आप जानते हैं 6+1 का भी ऑफर है, 6 मंथ के लिए 1+ आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 के लिए 2 है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बेटा, सारी चीज़ें मैं आपको रोज़ ही बताता हूँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या होमवर्क दिया था, वहीं से हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये रही आपकी लास्ट क्लास, आपकी स्क्रीन। मैंने आपको CO बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कहा था इन कंपाउंड्स में, H2O2, BaO2, KO2, O2 और O2PTF6। ठीक है, शुक्रिया। चलो भाई, H2O2, क्या कोई बच्चा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के लाया?
क्या है कोई इस क्लास में मेहनती बच्चा जो काम करता है, जो उसे दिया जाता है? बोलो बेटा। चलिए इस टेबल को मैं पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, आज मैं एक दो चीज़ें और लिखवाऊंगा। ये नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से बने होने चाहिए जैसे मैं बना रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? जैसे ये क्या है? अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन है क्या? वाह, ठीक है, सामने में कर लूंगा उसको। अच्छा, एफ टू ओ टू का एक्सप्लेनेशन है, चलिए एक एक करके चलते हैं। मैं इस पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लूँ, इतना बड़ा लिखा है। कहाँ से चेपाए तू, नहीं बता दे पहले। अच्छा, बता दे बेटा। चलिए आप जानिए आपको कैसे करना। देखिए, ओ एच टू ओ टू में जो स्पीसीज प्रेजेंट है वो आप जानते हैं कौन सी है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, बुक से पढ़ा है, चलो फिर तो ठीक है। वेरी वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, एक येलो कलर ले लेते हैं और एक ले लेते हैं ग्रीन, क्योंकि लाल कलर से तुम्हारी आँख फूट जाती है वरना। ओ टू टू नेगेटिव, चलिए भाई ऊपर ही लिखा हुआ है। ओ टू टू नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? साफ साफ लिखा हुआ है, ओ टू के पास होते हैं 16। ओ टू टू नेगेटिव का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर हो गया है 1-1। और मैं आप लोगों को एक नॉलेज की बात और यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग इस कॉलम को भी साथ साथ बना लीजिए, विच इज ओ ओ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड बहुत ही जल्दी है, दोबारा से हम डिजिटल बोर्ड पे अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी गुड यशित, मैं और डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा इस बात को जो आपने कहा है। गुड ट्राई, काफ़ी चीज़ें सही एक्सप्लेन बातें की भी हैं। चलिए बॉन्ड ऑर्डर तो आप निकाल ही सकते हैं सबका बेटा, है ना? तो आपने निकाल लिया सर, BaO2 में भी O2 नेगेटिव है, राइट? और O2 टू नेगेटिव का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बोन ऑर्डर 1। F2O2 का मैं थोड़ी देर छोड़ के चलता हूँ, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, KO2 में स्पीशीज कौन सी है? O2 नेगेटिव, राइट? और O2 नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17, तो बोन ऑर्डर इज 1.5। O2 का के O2 तो स्पीशीज O2 ही है, तो बोन ऑर्डर कितना है? 2 है। O2 प्लस यानी 16 से एक इलेक्ट्रॉन कम, बोन ऑर्डर कितना है? 2.5। तो जिन जिन में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, हम देखिए कैसे आइडिया लगा पाते हैं, क्योंकि ये जो डेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस डेटा को पेपर में रट्टा मार के जाइए? आंसर इज नो, मैं बस प्रूव करता हुआ चल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आप लोग सारी बातों को साथ साथ समझते हुए चलें, डेटा के साथ मैच करते हुए चलिए। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ H2O2 में जो होती है बेटा, वो होती है 148 पिकोमीटर में, सारी 148 पिकोमीटर, यानी दो ऑक्सीजन के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो वहां पर 148 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ आती है। एक बार इनको देखिए और फिर सारी बातें समझिए। बिल्कुल सिमिलर 149 BaO2 में है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। F2O2 की मैं बात आज नहीं कर रहा हूँ, आज और टाइम दूंगा मैं तुम लोगों को, सोच के आइए कि आप एक बार में कभी भी सोच के नहीं आते, बहुत ही निकम्मे किस्म के स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट, KO2 में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो बताइए बॉन्ड लेंथ कम होगी कि ज्यादा होगी? KO2 की बॉन्ड लेंथ, KO2 में जो OO बॉन्ड लेंथ है वो H2O2 और BaO2 से कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन भी तो आ जाता है, बोलो भाई जल्दी बताओ। 128 पिकोमीटर, आप जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट, O2 में कितनी होती है? 120 पिकोमीटर बस। और O2 प्लस, तो कि देखो इसमें क्या है, आपको मैंने थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा मजे करने को सवाल दे दिया। O2 प्लस लिखिए आप, O2 प्लस ही हुआ ना, PTF6 नेगेटिव था, याद कीजिए। ये कंपाउंड आपको पढ़ने को मिलेगा ग्रुप नंबर 18 में, जब जीनोन का कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ O2 प्लस है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी 112 पिकोमीटर। आज की क्लास में फिर से F2O2 को मैं छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से टाइम दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी लोग
इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार समझने की कोशिश की, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आ सकते हैं। तो ओ टू एफ टू वाले तो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप एक बात लिख लीजिए जिसका एमओ एम मोलिक ओडल थ्योरी से ही मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको आगे फ्यूचर में। आप फिलहाल लिख लीजिए ओ टू जो है गैसियस फॉर्म में कलरलेस है, ओ टू इज कलरलेस गैस। कलर के बारे में भी मैं समझाऊंगा सभी को, सारी थियरी बताऊंगा कलर कैसी किसके आते हैं क्या रीजन। लेकिन याद रखना ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कलर होती है, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, इसके एक्सप्लेनेशन पे भी आएंगे। लेकिन हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन समझने के लायक आप अभी नहीं हैं, लायक इन द सेंस आपको बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पता हैं जो मैं सिखा दूंगा टाइम के साथ साथ। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में डाई ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है, व्हाट इज द कलर, एनी आइडिया? है किसी के पास कोई भी आइडिया, लिख लो अगर नहीं आइडिया है। इट इज ब्लू कलर, एब्सोल्युटली कलर, एब्सोल्युटली करेक्ट। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ब्लू होती है जबकि गैसेस में गैसी है, एक कलरलेस गैस है। मेन ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अनअकैडमी ऐप पर, तो वहां सभी लोग प्रेजेंट रहिए, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी कि कौन कैसा है, क्या दिखता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनको समझने की भी कोशिश करेंगे कलर के बारे में। लेकिन ओ टू से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने थे मैं आप लोगों को बता चुका। देखो मैंने क्या बताया था, बहुत ध्यान से समझना बेटा मेरी सारी बातों को। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि किस टाइप के क्वेश्चन किसी के भी एमओ डायग्राम से आ सकते हैं। मैंने ओ टू का एमओ डायग्राम आपको बना के दिखा रखा है लास्ट क्लास में। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया था विल बी ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आप सभी लोग बताते चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिख देंगे? क्या आप होमो ल्यूमो सोमो एंड एफएमओ पहचान लेंगे? मैंने एक एक बातें बता रखी है आपको, ठीक है। अब आने वाले एमओ डायग्राम में यही चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, क्या आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं? मैंने आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना सिखाया भी था, कैसे फाइंड आउट करने हैं, और बॉन्ड ऑर्डर की एप्लीकेशन ही है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। किसी एटम का उसके अपने मॉलिक्यूल से आयनेशन एनर्जी कंपेयर करना आ सकता है, तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आप लोग ये काम कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ आ सकता है। होमो डाइएटॉमिक का एक छोटा सा तरीका है कंपैरिजन करने का, लेकिन मैंने इतने सारे स्टार इसीलिए लगाए हैं ताकि आप लोग ये बात ध्यान रखें कि ये सिर्फ होमो डाइएटॉमिक में तुक्का चल सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं लिख देता हूँ, मिट गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा मैंने आपको कुछ अच्छे मॉलिक्यूल के एग्जांपल दिए हैं विद एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ। किसी को ना तो बॉन्ड लेंथ रखना है ना कुछ भी, बस आप लोगों से अब लास्ट टाइप के सवाल पे मैं आ जाता हूँ, विच इज द सिक्स। पेपर में क्वेश्चन होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। हालांकि मैग्नेटिज्म को हम डिटेल में कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं आप लोगों को इतना ही बता देता हूँ, मैग्नेटिज्म अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हुआ किसी भी मॉलिक्यूल को देके आपसे पूछा, तो वो आपसे दो चीज पूछ सकते हैं बेटा, और वो कौन कौन सी दो चीज है। पहली वो पूछेंगे बताइए भाई गिवन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक। तो आपको उस मॉलिक्यूल को देखना है, उसके एमओ डायग्राम को देखना है, और एमओ डायग्राम को देखने के बाद आप चेक करेंगे क्या उस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आए तो आप कह देंगे सर यस वो एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अगर आपको डायामैग्नेटिक, कब कहेंगे आप सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आए यदि, सभी इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड हुए। तो चलिए इसी बेसिस पे मुझे आप लोग आंसर करके बताइए डाई ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक है और या डायामैग्नेटिक है, बोलिए व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाई ऑक्सीजन। क्योंकि याद कीजिए वीबीटी इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, दैट इज वाई हम एक नई थियरी पे शिफ्ट किए हैं। बोलिए जल्दी ओ टू क्या है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? आंसर इज पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, आपने एमओ डायग्राम बना रखा होगा, में से बहुत ध्यान से देखिए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट है वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो आंसर है पाई स्टार ऑर्बिटल्स में। एक पाई स्टार यदि 2p(x) में है तो दूसरा पाई स्टार 2p(y) में है। ये कहानी तब है जब आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस माना हुआ है। इतनी बात सभी को क्लियर है? बोलो भाई। अगर मैं आपसे पूछूं अभी भी ऐसे, अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो आप जानते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से जोड़ना चाहते हैं, एक फॉर्मूला है आज लिख लीजिए, जब मैग्नेटिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पढ़ाऊंगा तो उस दिन बता दूंगा ये कैसा है। अंडर द रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, इसको लिख लेना आज स्पिन ओनली, स्पिन ओनली, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट में बेटा दो चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे घूमता है, दूसरा वो ऑर्बिटल मोशन भी करता है। तो ऑर्बिटल मोशन करने की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है और अपनी स्पिन पे घूमने की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तब वैलिड है जब आप सिर्फ स्पिन वाला मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑर्बिटल वाले का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले। लेकिन आप कोऑर्डिनेशन में मुझसे ही पढ़ेंगे कि कब ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होता है, कब नहीं होता है, और कब स्पिन और ऑर्बिट कपल कर जाते हैं। तो ये सारी बातें हम टाइम आने पे सीखेंगे, आज तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला है, याद रखिए। एन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे क्या क्या है, एन लिख लीजिए, एन होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कभी कभी वो मैग्नेटिक मोमेंट दे देते हैं और उससे आइडिया लगवाते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको आप सभी लोग ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, इसका डेटा मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, अभी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चंस डाई होमो डाई एटोमिक मोलिक्यूल से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते, राइट। चलिए अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ F2 का एमओ डायग्राम बनाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है यहीं पे, में जियो एमओटी के सारे लेक्चर एक साथ ही हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू नहीं, अभी कोई थैंक यू नहीं होगा। अब देखो बेटा, आपको यहां से आगे सीखना है सर। अब हम चलते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, F2। पहले F2 का एमओ डायग्राम भी समझने की कोशिश करते हैं कि F2 का एमओ डायग्राम कैसा बनता होगा सर, ठीक है। तो अगर आप F2 का एमओ डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम O2 की तरह बना सकते हैं आप लोग, अपनी कॉपी में बहुत गोली की स्पीड से इस काम को कर लीजिए, जल्दी से बना लीजिए F2 का एमओ डायग्राम। मैं 1s को नहीं बना रहा हूं, आपका काम थोड़ा सा आसान कर रहा हूं, मान लीजिए हम सिर्फ 2s बना रहे हैं और 2p बना रहे हैं, राइट। 2s और 2p को बनाना है, तो 1s 1s से बिल्कुल सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बन चुका होगा, बिल्कुल उसी तरीके से आप सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बना सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल सिमिलर मेथड से आप बना सकते हैं, जो आपने O2 का एमओ डायग्राम बनाया है बिल्कुल सेम आप F2 का बना दीजिए, बिल्कुल शर्माइएगा मत, ठीक है। देख लीजिए बिल्कुल सेम बनेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग आंसर देंगे। अगर इसके नीचे 1s भी है, मैंने यहाँ 2s बना दिया, 2 और 2p, आप लोग साथ साथ बना लीजिए भाई, ये 2s है, ये 2p है और ये 2p। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इस मॉलिक्यूल के बारे में जो क्या क्या बातें आपको आनी चाहिए। पहली चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जल्दी से अपनी कॉपी में, सभी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आप जानते हैं एक फ्लोरीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो फ्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे, 10, राइट। फिर
फिलअप कीजिए जल्दी, जितनी जल्दी फिलअप कर सकते हैं करते रहिए, इन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में आ गए होंगे, बातें क्लियर होती जा रही है ना सभी को। देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, दिस इज द एमओ डायग्राम। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये सिग्मा 2p z मानिए और ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, 2px पाई स्टार 2py, आप पूरा लिखिए इनको। ये पाई ऑर्बिटल्स हैं, पाई 2px पाई 2py, ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बिलीव करता हूँ आप सभी लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, तो भाई वो लिखते चले जाना। सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम ऑन दिस, बट आप समझ गए हैं। एंड में आप लिखेंगे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी बराबर और दो दो इलेक्ट्रॉन है, इतना काम आप सभी कर लेंगे। क्लियर? एक एक करके चीजों को डिटेल में पढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज बताइए भाई, आप लोग मुझे ये बताइए इस मॉलिक्यूल में होमो कौन से हैं। होमो F2 में होमो के बारे में ज्ञान दीजिए मुझे थोड़ा सा। अरे मैंने कब पूछा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कब पूछा मैंने दोस्तों? हैं सपने आते हैं तुम्हें? क्या मैंने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आपसे कुछ बात की? आंसर इज नो। आप काहे बता रहे हैं, आपसे जो पूछा गया है वही बताइए ना। होमो कौन से हैं कार्तिक बेटा, ध्यान से सुन ले मैं क्या कह रहा हूं। होमो क्या होते थे? हाईएस्ट एनर्जी के ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट? अरे भैया इनको देखो दोस्तों, कैसी गलती कर रहे हो। ये हैं हाईएस्ट एनर्जी के, ये वाले जो ऑक्यूपाइड भी हैं। क्लियर है? तो होमो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो गलती मत कीजिए, बहुत ध्यान से आंसर कीजिए। पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py, दोनों ये एड कर रहे हैं होमो की तरह। चलिए मुझे लूमो का आइडिया दीजिए। लूमो कौन से हैं कोई बताना चाहता है? एफ टू के लिए लूमो कौन से हैं? किसी के पास आइडिया? यस, लूमो इज सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आया? देखो धीरे धीरे आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, जो मैंने आपको कहा था कि कैसे होमो ल्यूमो फाइंड आउट करने हैं। पेपर के यही क्वेश्चन भी होते हैं। और FMO, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अगर पूछे जाएं तो वो यही है, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। क्लियर हो गई बात? बोलो भाई। अब यहाँ से एक दो काम की बातें समझ, जब भी विजिबल लाइट जो है वो इन पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? तो आप समझ रहे हैं, ट्रांजिशन पाई स्टार टू सिग्मा स्टार होगा। मैं इसको सिग्मा स्टार लिख देता हूं, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, राइट? तो आप भी जानते हैं कलर आने का रीजन जो है दो चीजों पे, हालत पे डिपेंड करता है, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उसके अकॉर्डिंगली कलर नजर आता है। कलर कितना इंटेंस है वो नंबर ऑफ ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कलर का आप समझिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं कोऑर्डिनेशन में क्लियर कर दूंगा और आपको जीवन में कभी कलर से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इन मॉलिक्यूल के बारे में मैं दो चार बातें कर रहा हूं और अभी मैंने इनके उनको नहीं पढ़ाया है कलर से रिलेटेड बातें, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप सिर्फ इन बातों को सुन लीजिए। तो अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द रीजन, क्लोरीन का कलर आने का रीजन क्या है, तो अगर आप ध्यान से समझे मेरी बातों को, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बेटा, जो एफ टू है वो भी कलर्ड है, जो सी एल टू है वो भी कलर्ड है, जो Br2 है वो भी कलर्ड है, और जो I2 है वो भी कलर्ड है। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहीं पे, आप पहले तो हमें इनके कलर पता होना चाहिए। F2 जो है वो बेटा थोड़ा सा पेल येल्लो टाइप होता है, पेल येल्लो लिखिए, इनसे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। Cl2 जो है वो येल्लोइश है, जो Br2 है वो रेडिश ब्राउन है, और जो I2 है वो वॉयलेट होता है। तो पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए,
अगर मैं आपसे पूछूं सारे हेलोजन्स जो हैं वो कलर्ड क्यों हैं, तो उसका आप लोग मुझे एक आंसर देंगे। आप बोलेंगे सर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। कहाँ से कहाँ होते हैं मेरा क्वेश्चन बता दीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होते हैं हेलोजन में? कोई बच्चा है जो आंसर देना चाहता है? कि आपके पेपर में क्वेश्चन होता है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होमो से ल्यूमो में होंगे, राइट? होमो से ल्यूमो में होंगे, तो होमो कौन से हैं? पाई स्टार। और ल्यूमो कौन से हैं? सिग्मा स्टार हैं। दैट इज व्हाई आप लोग लिखिए कि ये सारे कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ विच ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखे ना, फ्रॉम पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। क्लियर हो गई बात? बोलो भाई। ऐसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन काउंट होते हैं एग्जाम में, वो इनका कलर पूछेंगे। अगर आप एमओटी अप्रोच नहीं जानते तो आप कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। तो एमओटी कलर के बारे में काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन देती है। फिलहाल आप समझ गए सर, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं हेलोजेंस में। दूसरी बात समझिए, अगर मैं एनर्जी गैप के बारे में बात करूं, ये सारे पॉइंट ध्यान से लिखते जाइए और ये आगे जाके क्लियर होते जाएंगे। एनर्जी गैप होमो टू लोमो, लोमो नहीं ल्यूमो, होमो टू ल्यूमो में एनर्जी गैप के बारे में मुझे बताइए। चल देखते हैं कितने बच्चे अपने आप सोच पाएंगे। एफ टू, सीएल टू, बी आर टू और आई टू, इन सब के होमो ल्यूमो, एम्बो डायग्राम तो इसी टाइप से बनेगा। तो इन सभी के होमो और ल्यूमो के बीच एनर्जी गैप में क्या डिफरेंस होगा, बढ़ेगा या कम होगा? क्या कंसेप्ट आप लगाते हैं, क्या सोच पा रहे हैं, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ बेटा। दीज आर रियली गुड क्वेश्चन, ठीक है? अब आप समझ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बातें आ रही हैं हमारे साथ। ये पेपर के क्वेश्चन हो सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप, कलर आने का रीजन, कलर क्यों है, अभी मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन रूल वगैरह बहुत चीजें सीखने को हैं। जो नेट वाले बच्चे हैं उन्होंने पहले भी सुने होंगे, पर ग्रेजुएशन वाले बच्चों ने ज्यादा नहीं सुना होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को इनके साथ फैमिलियर करना चाहता हूँ। एनी आइडिया अबाउट होमो ल्यूमो गैप, क्या कोई बच्चा देना चाहेगा? होमो ल्यूमो गैप के बारे में कोई कुछ भी ज्ञान दे सकता है? सोचिए तो अभी आप कॉन्सेप्ट लगाइए, मैं सही आंसर की तो मांग ही नहीं कर रहा हूँ आपको। क्लोरीन से आयोडीन जाने पर होमो ल्यूमो गैप के बारे में क्या होगा? सब पानी लेता हूँ। याद रखना ये सारी चीजें दोबारा आएंगी पढ़ाने को। मैं यहाँ क्यों आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ हमने इनके बारे में सुन लिया, कुछ बातें समझ में आ गई। जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस होगा, अरे सर इसके बारे में तो पहले भी सुन रखा है। तो करेक्ट आंसर इज एफ टू में सबसे ज्यादा गैप होगा, देन सी एल टू, देन बी आर टू, देन आई टू का। बहुत सिंपल रीजन है बेटा, आप लोग जानते हैं। देखिए क्लोरीन में ओवरलैपिंग अच्छी होगी पी ऑर्बिटल्स की, अच्छी ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग लोअर एनर्जी में जाता है और एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी में। तो बस आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो इफेक्ट ओवरलैपिंग है वो क्या होती चली जाती है, वीक। तो ना तो बॉन्डिंग ज्यादा लोअर एनर्जी में जाएंगे, ना एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हायर एनर्जी में जा पाएंगे। तो एनर्जी गैप का ऑर्डर फिलहाल आप ये लिखिए। रीजन एक्सप्लेन हम बहुत जल्दी करेंगे विद डिटेल जब मैं कलर पढ़ाऊंगा। क्लियर है? इफेक्टिवनेस इन ओवरलैपिंग के बेसिस पर आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। एक चीज और फिलहाल जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, एनर्जी गैप के अलावा अगर मैं इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ कलर का ऑर्डर पूछूं, आप क्या आंसर देंगे? इंटेंसिटी ऑफ कलर का क्या ऑर्डर है बताइए, एक बार बता सकता है कोई? एफ टू, सी एल टू, बी आर टू और आई टू, ये सब चीजें कनेक्टेड हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर तो आपको साफ साफ समझ में आ ही रहा है।
होमोल्यूमो के बीच अगर गैप कम हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा हो रही है। हालांकि नंबर ऑफ ट्रांजिशन के लिए कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं, वो रूल हमें चेक करने होंगे कि वो अलाउड ट्रांजिशन होती है नहीं होती है। बट फिलहाल मैं आप लोगों को विदाउट टेकिंग इनटू द वेरी मच डेप्थ ऑफ द टॉपिक आपको कलर के बारे में बता ही रहा हूँ। होमोल्यूमो गैप कम होता है तो इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो आप इसका सही ऑर्डर लगाइए। ये इनको फिर से पढ़ाऊंगा, इन दोनों पॉइंट्स का अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये यहाँ का यूँ समझिए, ये यहाँ का टॉपिक है ही नहीं। मैं भी जानता हूँ जब तक बच्चों को, अभी तो स्टार्टिंग है, मैं स्टार्टिंग में इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट बातें क्यों कर रहा हूँ कि इसके साथ मैं आपको फैमिलियर करना चाहता हूँ। आने वाली क्लासेस में इनके साथ हमें डील करना होगा। कुछ ऑर्डर्स आप अभी से जानते होंगे तो आगे जाके एक्सप्लेनेशन तो मिल ही जाएगी हर चीज़। ठीक है, लिख लिए ध्यान से। बहुत रीजन होते हैं इन सब चीज़ों के, उन रीजन पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतनी ही बातें ध्यान, क्लियर है? बोलो भाई। लेकिन आज की क्लास का मेन पर्पज़ ये था, आपने ये आंसर देखे पेपर में, आप ये नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं पूछ रहा। होमो ल्यूमो एफएमओ पूछ सकता है, इनके होमो ल्यूमो के बीच गैप पूछ सकता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर पूछ सकता है, कलर आने का रीजन पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकता है। बताओ भाई जितने भी हेलोजन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, इसको मान लीजिए फिफ्थ, कितनी काम की चीजें सीखने को मिल रही है, एंड सिक्स्थ। जिन पे मैंने स्टार लगाया है, मैंने कहा है अभी आप इनको समझ नहीं सकते हैं, इन ऑर्डर्स को आप लिख लीजिए। समझ सकते हैं पर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, और आगे मैं दोबारा पढ़ाऊंगा इसको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो सिक्स्थ वाले में बता दीजिए भाई। अरे याद कीजिए, मेन ग्रुप में अभी ग्रुप नंबर 17 पे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ग्रुप नंबर 17 हेलोजन्स की कहानी है ना, तो वहाँ हेलोजन्स को दोबारा से पढ़ाऊंगा सारी बातें, टेंशन मत लो। बताइए बेटा, सेवन्थ इज मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताइए। ये X2 जो हेलोजन्स हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे होंगे भाई? एफएमओ जो होता है, होमो और ल्यूमो को ही एफएमओ कहते हैं। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो आप पिछली क्लास को जरूर अटेंड करना आफ्टर दिस क्लास। अभी जो भी डाउट आ रहे हैं वो पिछली क्लास अटेंड करने पे समझ में आ जाएंगे। आंसर इज सर ये होते हैं डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। साफ साफ दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। और सेवंथ, सेवंथ चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे इसके बारे में। एमओटी के बेसिस पे ही आपको इसके आंसर भी करने होंगे। बॉन्ड ऑर्डर का आइडिया दीजिए भाई। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? कितना आएगा जल्दी बताइए, सभी लोग आंसर करते जाइए भाई। कितना आ रहा है? बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन, याद रखना बॉन्डिंग वाले सारे जोड़ना, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले डिवाइड बाय टू, तो बॉन्ड आ जाएगा आपका। आप लोग जानते हैं बॉन्ड क्या आएगा, वन। और एफ टू सभी में ही आप जानते हैं, एफ एफ, सी एल सी एल, बी आर और आई आई, इन सब में एक एक बॉन्ड होता है। एम ओ टी भी इनके साथ कह रही है, बिल्कुल सही बात है, एक एक ही होता है। वीबीटी भी यही कहती थी। अब आप मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? F2, Cl2, Br2, I2, कितने लोग सही आंसर कर पाएंगे? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? क्या हमारी क्लास में कोई है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर हमारे सामने प्रेजेंट कर सकता है? जल्दी बताइए बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बोलिए बेटा, करेक्ट ऑर्डर। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए यहाँ से, और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने आपको पीरियोडिक में भी पढ़ाया था, मेन ग्रुप में भी पढ़ाऊंगा, 10 बार आएगा तो 10 बार ही पूछूंगा। सबसे स्ट्रॉन्ग Cl2 का है, देन F2 का बॉन्ड होता है, देन Br2 एंड देन I2। F2 का बॉन्ड वीक होने का रीजन क्या है? वेट, हमने गलत लिख दिया, यही तो आप लोग लिखते हैं, यही तो मैं चेक करना चाह रहा था। Cl2 के बाद Br2 है बेटा, फिर है F2। करेक्ट ऑर्डर याद है। एफ एफ बॉन्ड वीक होने का रीजन आप लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया था, लोन पेयर रिपल्शन होता है। और लास्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए। चलिए, सारी चीजें मिक्सड हैं, हर चीज को एक साथ मिक्स करके रखिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, एफ सी एल बी आर आई। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया बेटा। अगर मैं कह रहा हूँ ना 50 बार आएगा सवाल, तो मैं 50 बार पूछूंगा तुमसे,
क्योंकि एंड तक हमें ये याद करके ही जाना है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए सेम सवाल को 50 बार पूछता हूँ। राइट, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? कोई एक तो ऑर्डर लिख दो यार। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, और सही आंसर लिखा हुआ है हमारे पास। यासित ने लिख दिया, वेरी गुड। सी एल देन एफ देन बी आर देन आई, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए कितने सारे क्वेश्चन है भाई हमारे पास, तो ये कुछ भी पूछे जा सकते हैं। विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एफ टू और सी एल टू, दोनों में से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? यार देखा कितने सवाल हो गए, 7 के बाद देखो मैंने कितने लिख दिए। दिस इज 8, दिस इज 9th, 10th, 10 क्वेश्चन बन गए हैं और लाजवाब 10 क्वेश्चन हैं। विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन और क्लोरीन? मैं कोई इस क्लास में, जो बच्चा मेरी पहली क्लास से आखिरी क्लास अटेंड कर लेगा सारे सब्जेक्ट की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक, उसे उस पूरी केमिस्ट्री का ज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, एफ टू एंड सी एल टू, राइट, करेक्ट आंसर इज एफ टू, एंड रीजन भी आप जानते हैं, आप जानते हैं आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। पूरा डिटेल में पढ़ाया था, हाइड्रेशन एनर्जी भी है और मैंने बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी मदद करती है। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्लोरीन की लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसे एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने में मदद करती है। तो ये 10 सवाल आपके सामने आ गए हैं, क्या मजेदार सवाल थे, कुछ आसान भी थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे इजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन मजेदार थे। होमो, ल्यूमो, एफएमओ, एनर्जी गैप, इंटेंसिटी ऑफ कलर, अरे सब बता दूंगा, आप सब बता देंगे आने वाली क्लासेस में। जिन पे मैंने स्टार लगा दिया है समझिए वो आने वाली क्लास के लिए रिजर्व है। डायमैग्नेटिक बॉन्ड और सभी निकाल देते हैं, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे पुरानी चीजें थी जो आपको याद होनी चाहिए थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। O2 और F2 का एम्बो डायग्राम आपने बिल्कुल सही बनाया, सारी प्रॉपर्टी जो आपने प्रिडिक्ट की वो मजेदार थी और सारी सही थी, लेकिन आप सेम एमओ डायग्राम को अगर N2 के लिए बनाते हैं, C2 के लिए बनाते हैं और B2 के लिए बनाते हैं तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत आती है। यानी यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बिल्कुल सही आंसर नहीं देते हैं। अगर आप सभी मॉलिक्यूल्स या लाइटर एलिमेंट जो F2 और O2 को छोड़ के इससे नीचे आते हैं, तो याद रखिए यही वाला एमओ डायग्राम जो आपने बनाया है बेटा ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही आंसर देता है। किन के लिए तो लिख लीजिए, O2, F2 एंड Ne2 बना के देख लेना। जो एम्बो डायग्राम आपने बनाया है अब तक वो बिल्कुल सही है, सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो अब मैंने सिखाया, एब्सोल्युटली करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा आएगी अपन। अच्छा बेटा, सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है इनके लिए, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम N2, C2, B2 और लाइटर एलिमेंट्स के लिए सही नहीं, तो हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारे सारे जो आंसर आते रहेंगे MOT के बेसिस पे क्या आते रहेंगे, गलत आते रहेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए बेटा, क्या है वो है मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड लिख दीजिए, मॉडिफिकेशन लिख लीजिए, मॉडिफिकेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी। जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी हैं उनमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे फॉर द होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक, होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए ना, N2 एंड लाइटर मॉलिक्यूल्स। अब हम मॉडिफिकेशन की तरफ को चलते हैं, पर मॉडिफिकेशन हम किस बेसिस पे करेंगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ही,
सर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं इस एनर्जी डायग्राम में, हम पहले तो आप इस जरूरत को समझिए कि सेम एमओ डायग्राम अगर हम सी टू एन टू बी टू के लिए बनाते हैं तो हमारा जो जो रिजल्ट आता है एमओ डायग्राम से और जो एक्सपेरिमेंटली कोई चीज प्रेजेंट है वो मैच नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई बात? अगर थियोरी और प्रैक्टिकल आपस में मैच नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप अपनी थियोरी में कुछ मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करेंगे। तो ये रीजन है कि दोनों के एमओ डायग्राम अलग है। आप मॉडिफिकेशन आप किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप पहली बात तो समझिए ऑक्सीजन फ्लोरीन एक्सेट्रा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला डायग्राम जो सबसे पहले बनाया था वो सही था, लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके लिए ये वाला एमओ डायग्राम बिल्कुल भी सही नहीं बन रहा है। तो यहाँ मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा, होता क्या है यहाँ पर, अगर आप बात समझे दो तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेटा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, उस डेटा में इनके 2s और 2p के बीच एनर्जी गैप का के बारे में कुछ भरना। देखिए अगर मैं आप लोगों से पहले इस तरीके से बताऊं, ध्यान से सुनिए बेटा सारी बातें ध्यान से सुनना, कुछ नई बातें आएंगी बहुत सारी तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज कर सकूं, जितने पॉसिबल हैं उतने तो यूज करूंगा ही। आपने जो एमओ डायग्राम अब से पहले पढ़ा, मान लीजिए ये रहा 1s, ये रहा 1s, 2s, 2s, 2p, क्लियर? आपने कहा सर देखिए 1s और 1s मिलके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर रहे हैं, 2s एंड 2s मिलके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये इस तरीके से कर राइट। तो ये एमओ डायग्राम आपने यूज किया अब तक, मैं इनको जोड़ भी देता हूं, ये एमओ डायग्राम अब तक यूज किया था। अब आपको ये बात समझ रही है बेटा, जैसे ही आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे, जैसे 2s ऑर्बिटल है ये और ये 2p ऑर्बिटल है, तो 2s और 2p के बीच जो एनर्जी गैप है अलोंग द पीरियड जाने पर, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा भी इन सारी बातों को और बहुत ध्यान से बस सुनते रहना एक एक पॉइंट को, आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा पेपर में, बट ये एक रीजन कि अगर आप 2s और 2p के बीच एनर्जी गैप को देखेंगे डेल्टा ई अलोंग द पीरियड जाने पर, यानी कि आप अगर बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से फ्लोरीन आगे बढ़ रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो आप मुझे बताइए एनर्जी गैप पर क्या इफेक्ट होगा। एनर्जी गैप डेल्टा ई, डेल्टा ई किसके बीच का है, 2p एंड 2s का। कोई बच्चा कोई प्रिडिक्शन कर सकता है, आप पहले इसकी थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन कीजिए, आपको क्या लगता है कि अलोंग द पीरियड जाने पर 2s और 2p के बीच एनर्जी गैप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर मैं आपको बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल डेटा दूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है और मैं विद मैं किस ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है वो भी बता दूंगा। मैंने बताया था हम थ्योरेटिकल नहीं चलते हैं, हम प्रैक्टिकल चलते हैं और एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ पढ़ते हैं। अगर हम एमओटी भी पढ़ रहे हैं तो फिर हम पर ये क्या खोल दिया मैंने, तो करेक्ट आंसर इज अलोंग द पीरियड जाने पे इनके 2s और 2p के बीच डेल्टा ई जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अब आप कहेंगे सर वो रीजन क्या रहा होगा, रीजन ये होता है आप अलोंग द पीरियड चलते हैं, मान लीजिए बोरोन के 2p हैं और ये बोरोन के 2s हैं, फ्लोरीन का 2p जो होगा क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बोरोन के 2p से लोअर एनर्जी में होगा। मैंने दो एक्सट्रीम एलिमेंट उठा लिए बोरोन एंड फ्लोरीन, तो 2p भी लोअर एनर्जी में होगा और 2s भी लोअर एनर्जी में होगा, लेकिन s वालों की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, वो न्यूक्लियस के पास आना ही चाहते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन अलोंग द पीरियड जाने पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो जो 2s है वो कुछ ज्यादा नीचे आ जाता है मोर पेनिट्रेशन पावर होने की वजह से। तो आपने ये बात ऑब्जर्व की कि सर अलोंग द पीरियड अगर जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से 2s और 2p के बीच जो एनर्जी गैप है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ये।
कि 2s और 2p के बीच एनर्जी गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब O2 और F2 में 2s और 2p सफिशियंटली एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन लाइटर एलिमेंट्स बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन, इनके केस में आप ये कहेंगे सर इसका मतलब अगर 2s और 2p पास हैं तो दो चीजें पॉसिबल, आप दो चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं सर अगर ये पास हैं ऑर्बिटल्स तो 2s और 2p आपस में मिक्स हो सकते हैं, राइट? यानी एनर्जी गैप कम होने की वजह से s एंड p मिक्स हो सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं sp। ये मिक्सिंग कब पॉसिबल है, अगर एनर्जी गैप कम है। तो आप एमओ डायग्राम बनाने से पहले दो तरीके हैं याद रखना, या तो आप पहले 2s और 2p के बीच मिक्सिंग कर लीजिए और फिर एमओ डायग्राम बनाइए। एक तरीके से s और p मिक्सिंग होने का मतलब क्या होता था कि s में p के करेक्टर आएंगे, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे एंड देन हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन हाइब्रिडेशन वर्ड जो है MOD डायरेक्ट यूज नहीं करती है, ठीक है? तो आप लोग समझिए दो तरीके हैं sp मिक्सिंग को पढ़ने के, या तो पहला तरीका मैं s और p को पहले ही मिक्स करूं और मैं दोनों पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, जिस मॉलिक्यूल के लिए जोन सा तरीका आसान होगा उसके लिए हम वो तरीका जरूर देखें। दूसरा तरीका पता है क्या हो सकता है बेटा, दूसरा तरीका ये हो सकता है आप एमओ डायग्राम यही बना लीजिए जो आपने बनाया था। अब आप सोचिए अगर ये 2s और 2p एक दूसरे के पास आएंगे, राइट, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एक दूसरे के पास आएंगे, और अगर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मिक्सिंग हो सकती है। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सिंग व्हिच इज पॉसिबल, यानी एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही मिक्स हो सकते हैं आपस में, या फिर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं इनके बीच भी इंटरेक्शन हो सकते हैं। sp मिक्सिंग में क्या बोल रहा हूं, sp मिक्सिंग इज टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन s एंड p। क्या है, वीडियो सबको सही नजर आ रही है, जल्दी बोलिए, वीडियो सभी को सही नजर आ रही है, याद रखिएगा sp मिक्सिंग को ज्यादा दिल से लगाने की कोशिश मत कीजिए, मतलब इसको समझने के लिए सुनिए, राइट, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, कोई घटना नहीं है, पेपर में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आ भी गया कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और किसी एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि N2 का एमओ डायग्राम O2 से डिफरेंट क्यों बनता है, तो आप बोलिए सर इट इज बिकॉज ऑफ द sp मिक्सिंग, दैट्स इट, दिस शुड बी योर वर्ड। इससे आगे ज्ञान मत देना कभी भी, इंटरव्यू में उतनी बात पूछना जितनी ने पूछी। अब अगर वो आगे पूछता है कि sp मिक्सिंग क्या अफेक्ट करती है, तब आप बता सकते हैं सर इसे समझने के दो तरीके हैं, या तो आप s और p ऑर्बिटल्स को पहले ही मिक्स कर लीजिए, मिक्स करने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाइए एंड देन एक नया एमओ डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा कि सर आप एमओ डायग्राम बना लीजिए पहले एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं इनके आपस में इंटरेक्शन करवा सकते हैं, क्लियर है? तो दो तरीके से आप N2 का एमओ डायग्राम बना सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल के लिए सेकंड मेथड, जिसमें मैं एमओ डायग्राम जो है आफ्टर पहले मैं एमओ डायग्राम बनाऊंगा बिल्कुल सेम, अब इनके बीच इंटरेक्शन करवाऊंगा, यानी मैं जो पहले सिखा रहा हूं आप लोगों को वो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, मैं एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरेक्शन को पहले कंसीडर नहीं कर रहा हूं। इसको स्टार्ट करने से पहले और इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक चीज और रखना चाहता हूं बेटा, और वो बात ये है कि दिस डेटा जो आप लोगों के पास होना ही चाहिए, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं और मैं आपको डेटा नहीं दे रहा हूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरफ इस वाली एक्सिस पे आपको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसमें है किलो जूल पर मोल, यहां लिख लिए, मान लीजिए -4000 है, -4k लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारी जनरेशन ये समझती है, -3k, -2k किलो जूल पर मोल, -k 1k लिख लीजिए, 1000 है ये, यहां पे एटॉमिक नंबर है, मान लीजिए एटॉमिक नंबर इस एक्सिस पे। मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिथियम से स्टार्ट कर रहा हूँ, लिथियम की हालांकि इतनी जरूरत नहीं है मुझे, फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को सब क्लियर नजर आ रहा है, हाँ यहाँ इतना ही ऊंचाई पे ठीक है इसको,
मैं कुछ ब्लॉक नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आइडिया देता हूँ बेटा, लिथियम छोड़िए, मैं सीधे स्टार्ट करूंगा बेरिलियम के आसपास से। तो देखो बेरिलियम का जो 2p की एनर्जी है, ग्रीन वाले जो है रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल, ठीक है। बेरिलियम से है बोरोन एट नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, बोरोन से है कार्बन, कार्बन 2000 के काफी क्लोज है। कार्बन के बाद है नाइट्रोजन जो 2K और 3K के बीच में है, ऑक्सीजन है जो 3K और 4K के बीच में है, क्लोरीन की जो 2p ऑर्बिटल की एनर्जी है काफी कम है, और नियोन की भी काफी कम है। तो आप एक तरीके से इनको ऐसे बनाइए, सभी लोगों को बनाना पड़ेगा, मेरी क्लास है ये, समझ रहे हो, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ, मजाक भी करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज की क्लास मजाक की नहीं है। तो जो ग्रीन है वो किसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी 2p एनर्जी, 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन, क्लियर है। तो मैं लिख देता हूँ भाई ताकि आप लोगों को बिल्कुल टेंशन ना रहे, कि जो बेरिलियम है उसका 2p है, ये बोरोन का 2p है, ये कार्बन का 2p है, ये नाइट्रोजन का 2p है, ये ऑक्सीजन का 2p है, ये फ्लोरीन का 2p है, और नो नो 2p नहीं है यार, ये 2p नहीं, सिर्फ 2s है, क्योंकि बहुत एनर्जी एकदम नीचे जा रहा है, राइट, नहीं हो, दिस इज द 2p नहीं है, इसको मिटाओ, क्योंकि एकदम से बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ है, तो मैं समझ गया इसे देख के, दिस इज 2s, ठीक है। और जो येल्लो वाला है दैट इज द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल, पेरिलियम को मतलब इसी जरूरत नहीं है, बोरोन से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा बनाने में आसान रहे, ज्यादा पोच ना हो जाए। देखो बोरोन जो है, सबसे पहले हम बोरोन के 2p की एनर्जी देखते हैं, तो बोरोन का जो 2p है वो एक्चुअल उसके 2s से तो हाइयर ही होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। तो बोरोन का 2p1K से थोड़ा ऊपर एनर्जी में हो, दिस इज 2p ऑफ बोरोन, राइट। उसके बाद जो कार्बन है उसका जो 2p होता है वो कुछ इस तरीके से, ध्यान से लिख देना, यानी 1K से थोड़ा सा नीचे है। नाइट्रोजन वाले का 2p जो है वो इस तरीके से है, 1K से ही नीचे है, 2K ये ऑक्सीजन वाले का है, ये फ्लोरीन वाले का है, और 2K के जस्ट पास है नियोन वाले का 2p। आप समझ गए बेटा मैंने आपको क्या डेटा दिया है, ये बोरोन का 2p है, ये कार्बन का, ये नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ये फ्लोरीन का, और ये नियोन का, और विद डेटा मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है, क्लियर है। तो आप साफ साफ समझ रहे हैं, वेट 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 वेट, मैंने कार्बन से स्टार्ट किया, बोरोन कहाँ गया मेरा, गिरा, अच्छा वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, गिरा बोरोन गिरा, ठीक गया। तो ये जो एनर्जी गैप है दिस, ये बोरोन के लिए है, ये कार्बन के लिए है, ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये फ्लोरीन का है, और ये नियॉन का है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा विच प्रूफ्स, क्योंकि किलो जूल पर मोल में याद रखना, आज डेटा काम नहीं आएगा, आज नहीं आएगा आप लोगों का, लेकिन एक दिन आए, ठीक है। जब आप अच्छी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है यार, साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम एमएससी कर रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस का मतलब पता है क्या, ये चीज मास्टर ऑफ साइंस बनने का ही मतलब ये है कि आप सारी चीज के मास्टर बन चुके हैं, आप फैक्ट को जानते हैं, आप थियरी को जानते हैं, खुद थियरी बिल्ड करना जानते हैं, ये सब चीज आप लोगों को आनी चाहिए। तो दिस शोज एनर्जी डायग्राम, जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, 2p और 2s के बीच का गैप जो है वो बढ़ रहा है, मैंने विद डेटा दिया है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत भी पड़ेगी फ्यूचर में, जो जैसे पढ़ाता है उसको जरूरत पड़ती है, जो जरूरत अपनी मर्जी से पढ़ाता है, थियोरिटिकल थियोरिटिकल चलता है, उसे कोई जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की। अब मैं आप लोगों के सामने एक चीज प्रोड्यूस और प्रेजेंट करना चाहूंगा, आप मुझे अलाउ कीजिए वो चीज प्रेजेंट करने की, आप मुझे अलाउ करते हैं प्रेजेंट करूं, बोलो भाई, दिस इज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो मैं आप लोगों को गैप दिखा रहा हूं, तो एनर्जी ऑफ 2p माइनस एनर्जी ऑफ 2s, इनका एनर्जी गैप क्या है फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नियो। एनर्जी गैप देखिए बेटा आप लोग, आपको बहुत मजा आएगा देख के, डेटा आप नोट डाउन करते चल रहे हैं साथ साथ, डेटा होगा तो किसी से आर्ग्यू करने की औकात होगी, वरना मेरे सर करते रहेंगे और कोई सर सर नहीं होते, मैं जानता हूँ ना, अब कोई गलत पढ़ा ही नहीं सकता, और आपको तो गलत कोई पढ़ा ही नहीं सकता, आपकी आदत कुछ दिनों में ऐसी बन जाएगी मेरे साथ पढ़ पढ़ के कि
कि आप ना यूं कहेंगे भैया बात नहीं चाहिए, हमें डेटा चाहिए, और वही एक असली केमिस्ट होता है। ठीक है, एनर्जी गैप मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं बेटा, लिथियम के 2POTS का जो एनर्जी गैप है ना वो 1.8 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूं मैं, इस बार ध्यान रखना, कभी सोचो कि सर ऊपर तो कुछ और है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। कन्वर्जन आपको मैंने सिखाई भी है, दिस इज 2.8, दिस इज 4.5, दिस 5.3, 6.0, 15, 20.5, 26.5। क्या आप लोगों को साफ साफ देखते ही क्या आपका दिल खुद नहीं बोल गया, मुझे बस ये बता दीजिए कि सर देखिए हाईलाइट करने वाली जो डिफरेंस देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 2SO2P गैप में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया, समझ रहे हो? अभी तो इनके लिए कहानी अलग चल रही है, इनके लिए कहानी अलग चल रही है। ये समझ में आया? बोलो भाई ये डिफरेंस को हाईलाइट करना, कि कोई भी साइंटिस्ट कैसे सोचता है इनके बारे में यार, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया जो 2S2P का गैप है एकदम बहुत तेजी से बदला है, डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसकी जो PDF है वो सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ इससे पहले कि मेरा जो सिस्टम है वो शटडाउन हो जाए। PDF में सेंड कर दूंगा इसकी आज की क्लास तक, सो दैट आप लोग रोए नहीं। फिर एंड में एक कंप्लीट वाली भी सेंड कर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? क्या मेरे यार मेरी क्लास को बंद करवाना चाहता, नहीं हुई किटर का डेटा नहीं, दिस इज फ्रॉम अनदर बुक, सिखाऊंगा अभी नहीं बता रहा मैं, नेक्स्ट क्लास में, अभी पढ़ो तो सिखा रहा उसके पीछे पढ़ रहे हैं कौन सी बुक से लिया। वेरी गुड, यही मेरे स्टूडेंट होने चाहिए। 3P और 3S, चलो ये भी मैं फ्री में ज्ञान दे देता हूँ आप लोगों का, ये एक दिन आपको मदद करेगा चीज़ों को और समझने में और गहराई से समझने। इसका जो गैप है वो है 2, कितना कम हो गया, इसका मतलब ये किसके बात चल रही है यहाँ पे, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। जरा ध्यान से देखिए बेटा, सोडियम में गैप 2 है, मैग्नीशियम में 2.6 है, ठीक है, बोरोन में 4.5 था, एल्यूमिनियम में लगभग इतना ही है, सिलिकन में 5.2 है, फॉस्फोरस में 5.5 है, सल्फर में 9.8 है, क्लोरीन में 11.5 है और आर्गन में 13.5 है। तो आप ये बात देख रहे हो थर्ड पीरियड वाले जो हैं उनके 3s 3p में गैप क्या हो रहा है, कम। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों से कहा था कि एनर्जी गैप की जब बात कर रहे थे हम F2Cl2Br2I2, डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में एनर्जी गैप है वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो इसलिए फ्लोरीन का एम्बो डायग्राम जब हमने बनाया, अब थोड़ी सी बातें कनेक्ट होंगी आप लोगों के साथ, क्लोरीन के एम्बो डायग्राम में हमने sp मिक्सिंग कोई जरूरत नहीं समझी, लेकिन क्या हम क्लोरीन के में समझेंगे, आंसर इज यस, उसमें भी एनर्जी गैप क्या होगी, कम। ब्रोमीन का दौर भी कम हो गया होगा तो उसमें भी sp मिक्सिंग होगी, तो उसमें भी sp मिक्सिंग होगी, तो यानी सेकेंड पीरियड के नीचे जो आते हैं उनमें sp मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग चांसेस क्या होते हैं ज्यादा, लेकिन सेकेंड पीरियड में सब में sp मिक्सिंग नहीं है। रीजन मैंने बता दिया, एनर्जी गैप ज्यादा 15 या 20 या 26 तभी हो रहा है जब आप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें, नाइट्रोजन के लिए भी एनर्जी गैप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रख रहा है। तो आप यहाँ से सोचेंगे सर ये रीजन होता है कि sp के बीच एनर्जी गैप कम होने की वजह से ऑर्बिटल जो है आपस में क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? आप इस डेटा को लिखिए, वीडियो एकदम सही हो जाएगी, कभी कभी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कोई बात नहीं, आप देखते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं वीडियो को क्या इशू हो रहा है। हो और वॉइस वॉइस के बारे में भी बताइए, क्या वॉइस में भी दिक्कत आ रही है कि वॉइस क्लियर है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसको तो बहुत आराम आराम से ही पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है सब कुछ? वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर आ रही होगी? चलिए कोई बात नहीं, यस अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आपने डेटा देख लिया है, ठीक इसको लिख लीजिए इस डेटा को, और यहां से आगे अब हमारा पढ़ने का टाइम आ गया, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो एमओ डायग्राम पे आते हैं बेटा, अब मैं फाइनल एमओ डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत काम की चीज है ये। तो आवाज क्लियर आ रही है? जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, देखते रहिए बेटा, समझ में आ रही है? एक दो मिनट के लिए नेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट उसके बाद वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। समझने की कोशिश की, दोबारा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब ये बातें एक भी बच्चे को मिस नहीं करनी है जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आपसे मैं बना के दिखा रहा हूं क्या 2s, 1s नहीं बना रहा मैं सीधा। अब हम काम की बातें पढ़ेंगे, दिस इज 2s एंड 2s, दिस इज 2p एंड 2p। हमने 2s 2s बना लिया और 2p 2p बना लिया। एमओ डायग्राम तो बनता हुआ नजर आ ही रहा है। अरे मैं तुम्हें दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है कुछ देर के लिए और एमओ डायग्राम बनता हुआ नजर आ रहा है तो सब बढ़िया है, ठीक है। 2s और 2p हम लोगों ने बना लिया है, नॉर्मल एमओ डायग्राम विदाउट, जिसमें एसपी मिक्सिंग की कोई बात नहीं है, यानी पहले मैं बना रहा हूं नो एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग की अगर कोई बात थी ही नहीं तो आप लोगों ने क्या किया था, याद कीजिए, अब ध्यान से समझना, एक बात जोड़ने का टाइम आ गया, इस प्रकार किया था। यहां एमओ डायग्राम बन रहे थे, एमओ इस तरीके से बन रहा था, इसका सिग्मा 2πz बन रहा था, सिग्मा 2πz बन रहा था इस तरीके, राइट। ऐसे दो पाई बने थे, दो पाई स्टार बने, पाई एंड पाई स्टार। ये सभी को अब बात ये है कि आप लोगों को एक बात समझ, जैसे ही 2s और 2p, क्या लिख दिया मैंने, ठीक s और 2p के बीच एनर्जी गैप कम होगा तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एक दूसरे के पास आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, राइट। अब इन सभी को समझ लीजिए, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के काफी पास आ जाएंगे। जब 2s और 2p ही एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इनसे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जो होंगे क्या हो जाएंगे, दूसरे के पास आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ सिंपल लाइन से इसको, सिर्फ ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये भी एक दूसरे को अप्रोच करने लगेंगे, कम इस एक दूसरे के पास आएंगे। तो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतना रिस्क लेना। बोले बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, पहले कोई बात नहीं, फिर एक काम करते हैं यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। आई ऑलवेज कीप थैंक यू स्लाइड रेडी, हाँ बहुत काम की चीज़ है, आई कैन नॉट अफोर्ड कि आप लोग इस वक्त मिस कर दें चीज़ों को, ठीक
ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए भाई, सभी लोग जो भी टाइम टेबल है उसको फॉलो कीजिए। टेक केयर एवरीवन, बाय।